Good morning, all of you students. Myself Parvra Kumar, Assistant Professor Chanakya College of Education, Bhetia. DLED, second year, subject S5, unit है 5. आज का टॉपिक है विद्यालय प्रबंधन की समस्याओं, कारणों, जटिलताओं का वर्णन करें या प्रकाश डालें, यानी विद्यालय प्रबंधन की समस्या, मतलब उसके साथ समस्या क्या क्या है, उसकी जटिलताएं क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके कारण क्या है। तो सबसे पहले किसी भी विद्यालय के संचालन करने के लिए उसमें कोई ना कोई मुखिया जरूर होता है, जैसे उसके प्रबंधन एवं रख रखाव का कार्य प्रचार्ज के हाथ में होता है, जो प्रचार्ज करते हैं, देख रेख करते हैं। लेकिन उसमें क्या है, सभी कर्मचारियों की सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना कर्मचारी के सहयोग से कुछ संभव नहीं है। इसलिए उदाहरण के लिए जैसे हम प्रचार महोदय को लेते हैं, हम लोग हैं कर्मचारी हैं, तो क्या है इसमें विद्यालय के जो भी देख रेख है कौन करता है, प्रचार महोदय करता है, लेकिन उसमें सहयोग किसका रहता है, कर्मचारी का रहता है, विद्यार्थी का रहता है, सब कोई के सहयोग से इसका प्रबंधन होता है। जो भी डिसीजन लेना है, क्या कमी है क्या नहीं है, उसको पूर्ति करने के लिए सबका जिम्मेवारी प्रचार महोदय जी के हाथ में रहता है। तो क्या है, वो एक प्रबंधन का कार्य कर रहे हैं, उसका देख रेख कर रहे हैं, यानी विद्यालय प्रबंधन है। उदाहरण के लिए मैं ले लिया प्रचार महोदय का, तो क्या है जो भी किसी भी विद्यालय का संचालन करने के लिए, उसका देख रेख करने के लिए, रख रखाव करने के लिए, उसका जिम्मेवारी किसके ऊपर होता है, प्रचार्ज के ऊपर होता है। आजकल वर्तमान युग में देखा जाए तो जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, गवर्नमेंट में तो प्रचार्ज हो गए, लेकिन प्राइवेट स्कूल में क्या होते हैं, उसके चेयरमैन हो जाते हैं, मतलब जो भी उसका देख रेख करता है, संचालन करता है, वही उसका प्रबंधन का कार्य करता है। तो अब हम लोग, ये इंट्रोडक्शन हो गया, उदाहरण के द्वारा बता दिया गया, अब हम इससे मुख्य प्रबंधन के क्या क्या है, तो जो हम लोग मुख्य रूप से 11 या 12 पॉइंट के माध्यम से ही हम इस विद्यालय प्रबंधन को, जटिलताओं को समझेंगे, मतलब इसके कारण क्या क्या है। तो विद्यालय प्रबंधन के रख रखाव के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित समस्याएं, जटिलताएं जिम्मेदार हैं, जो इस प्रकार से हैं। तो इसके क्या है, बहुत सारे परिस्थितियां इसके जिम्मेदार हैं विद्यालय प्रबंधन, तो इस परिस्थितियों को देखते हुए क्या है, प्रजाज कैप्टन का कार्य करते हैं। तो इसका प्रमुख जटिलता है, यानी कारण समस्या जो है वो इस प्रकार से है। एक नंबर में है विद्यालय पर पाठ्यक्रम का विस्तार, यानी क्या है उनके ऊपर डिपेंड करता है। एक नंबर पॉइंट में है विद्यालय पाठ्यक्रम का विस्तार, तो हम इसे 11 पॉइंट ही के माध्यम से ही इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। तो विद्यालय पाठ्यक्रम का विस्तार, आज के समय में विद्यालय पाठ्यक्रम का विस्तार काफी बढ़ गया है, इसमें बहुत से नवीन विषय को सम्मिलित किया गया है। यह सभी विद्यालय प्रबंधन की समस्याओं को जटिल बनाते हैं। अब पाठ्यक्रम पहले जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें कई ऐच्छिक विषय एवं विषय समूह को रखा गया है या सम्मिलित किया गया है, इसी कारण यह जटिल हो गया है। क्योंकि इसमें विद्यालय के पाठ्यक्रम में, पाठ्यक्रम क्या है, हमेशा उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह गया है, उसको सुधार करने के लिए हमेशा उसमें कुछ ना कुछ नए चीज़ों को जोड़ा जाता है। जितने नए चीज़ों को, विषय समूहों को जोड़ा जाता है, ऐच्छिक विषय हुआ, अनिवार्य विषय हुआ, बहुत सारे विषय हैं, साइंस सब केमिस्ट्री सब में है, वो जब इसमें नवीन विषय को सम्मिलित किया जाता है, तो निश्चित है कि पाठ्यक्रम में जब नए चीज़ों को सम्मिलित करेंगे तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न होगी, उसको संचालन देख रेख रख रखा कर्मचारियों को में, ये सबके अभाव उसमें जटिल समस्याएं खड़ा कर देती है।
जो क्या है यह धीरे धीरे जटिल बनते जा रहा है। अब है दूसरा पॉइंट, विद्यालय में छात्रों की संख्या में वृद्धि, इसे आप नोट भी कर सकते हैं नोटबुक में। तो ये दूसरा पॉइंट है, विद्यालयों में छात्रों की संख्या में वृद्धि। तो क्या है, आज के वर्तमान समय में जनसंख्या की काफी वृद्धि हो गई, तीव्र गति से बढ़ रही है जनसंख्या। इस बढ़ते हुए जनसंख्या को विद्यालय में छात्रों की संख्या में वृद्धि, यानी वर्तमान युग में सबसे बड़ी समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या है। विद्यालय में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है तो भवनों की कमी एवं खेल के मैदान भी छोटा पड़ गया है। पुस्तकालय भी विद्यार्थियों को पुस्तक द्वारा मुहैया नहीं करा रही है तथा शिक्षक की संख्या में सीमित मात्रा में हो गई है। आज के बच्चों में अनुशासन की कमी देखने को मिल रही है, छात्रों पर ध्यान देने में कमी आ गई है, व्यक्तिगत ध्यान छात्र पर नहीं दिया जा रहा है। समाज में विभिन्न वर्ग के बच्चे एक साथ वर्ग में रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, इन सब से एक रहकर एक शिक्षा ग्रहण करते समय इन सब में एक साथ प्रशासनिक शैक्षिक कोमा मनोवैज्ञानिक कोमा आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो गई है। ये सब कारणों को देखते हुए क्या है, आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। तो अब है आगे, जैसे विद्यालय क्या है, जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस तरह से क्या है, विद्यालय में खेल के मैदान कम पड़ जा रहे हैं, शिक्षक सीमित मात्रा में हो रहा है, व्यक्तिगत क्या है ध्यान बच्चों पर शिक्षक नहीं दे पा रहे हैं, उन बच्चों में क्या है अनुशासन की कमी हो जा रही है। तो यह बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि इसकी सबसे बड़ी जटिल समस्याएं हैं। तो अब तीसरे नंबर पॉइंट है आर्थिक स्थिति में कमी, यानी आर्थिक स्थिति में कमी क्या है, उसका आर्थिक कमजोर हो, धन की कमी हो, आर्थिक स्थिति में कमी या धन का अभाव, ये भी लिख सकते हैं इसको, धन का अभाव ये भी है, आर्थिक स्थिति में कमी या धन का अभाव। तो आज के वर्तमान युग में विद्यालय की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन अर्थव्यवस्था पहले जैसा देखने को मिल रहा है। एक जितने क्या है जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो क्या है विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, बच्चे भी बढ़ रहे हैं, तो उसका निश्चित है कि विद्यालय के भवन का निर्माण होगा। तो निर्माण होगा तो क्या होगा, बच्चों को पैसा जुटाना पड़ेगा, क्या होगा आर्थिक स्थिति अगर कमजोर है तो क्या है वो नहीं कर पाएगा, तो समान विद्यालय में ये सब बच्चे भी रह करके पढ़ सकते हैं, लेकिन उसे क्या है स्थिति उतना सुधार नहीं हो पाएगी। जैसे पहले के जो जो संपन्न में बच्चे हैं वो तो अपना जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन जो निर्धन बच्चे हैं उनके लिए तो ये काफी समस्याएं क्या होता है खड़ी कर देती है। अब है चार नंबर में शैक्षिक विचारधारा का प्रभाव, यानी शैक्षिक विचारधारा का जो प्रभाव है आज के शिक्षा में, मैंने आज के शिक्षा या वर्तमान समय में नई शिक्षा विचारधारा में सिद्धांतिक विषय को समान ही महत्व दिया गया है, इससे संगठनात्मक समस्याओं में अधिक वृद्धि हुई है, इसके आयोजन से शिक्षा में बहुत ही महत्व रखता है। तो क्या है इसमें जो शैक्षिक विचारधारा है, तो शैक्षिक विचारधारा में जो है का प्रभाव बहुत ही इसको जटिल बना रही है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे संपन्न हैं, किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर है क्या है शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, मैं उदाहरण के लिए ले जाऊँ। तो निश्चित है कि यह समस्याएं क्या है विद्यालय प्रबंधन में एक जटिल समस्याएं उत्पन्न कर देती है, जो हमारे शैक्षिक विचारधारा का प्रभाव उस पर निर्भर करता है। इसको नोट कर लेंगे और फिर हम चार नंबर पॉइंट हो गया, उसके पांचवा नंबर पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब इसके पांच नंबर पॉइंट जो है विद्यालय प्रबंधन की समस्याओं के कारण यानी कौन कौन से हैं, तो वैज्ञानिक उपकरणों का
प्रभाव या अभाव। ये कह रहा है वैज्ञानिक उपकरणों का अभाव। तो आज के वैज्ञानिक उपकरणों के अभाव में कमी यानी वैज्ञानिक उपकरणों की कमी या अभाव, तो विद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम लागू हो गया है। सुसज्जित प्रयोगशाला का पूरी तरह अभाव रहा। वहां जरूरी उपकरण तथा साधन की कमी, कुछ विद्यालयों में नाम मात्र का प्रयोगशाला है, वहां समस्या गंभीर और भयावह हो गई है। यानी जिस विद्यालय में जो तो विद्यालय संपन्न है, वो तो कुछ कुछ विद्यालय अपना जुगाड़ कर लिए, उपकरण का उपयोग कर लिए, लेकिन जहाँ पे जिस विद्यालय में जहाँ उपकरण की कमी है, उपकरण आ गया है लेकिन भवनों की कक्ष की कमी है, तो वहां निश्चित है कि उस उपकरण का प्रयोग नहीं हो पा रहा है, बच्चों को नहीं दिखाया जा रहा है। क्या है यह समस्या, एक जटिल हो गया, जटिल कारण हो जा रहा है, जटिल समस्या उत्पन्न हो जा रही है जो वैज्ञानिक कारणों पर प्रभाव डालती है। उसके बाद है 6 नंबर में तकनीकी शिक्षा का प्रभाव। यह है तकनीकी शिक्षा का प्रभाव में विद्यालय में अनेक प्रकार के तकनीकी विषय का स्थान दिया गया है, जैसे इंजीनियरिंग, कृषि, कुमार विज्ञान आदि विषय आते हैं। इसके लिए कक्षा, प्रयोगशाला, कुमार उपकरण आदि की जरूरत होती है। कुछ संपन्न विद्यालय तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश विद्यालय इसे पूरा नहीं कर पाते हैं। यानी बहुत सारे आजकल क्या है, स्मार्ट क्लासेस चल रही है, ये तकनीकी शिक्षा गूगल के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, तो जो संपन्न विद्यालय है इसका तो पूरा कर लेते हैं जुगाड़, कंप्यूटर वगैरह लगा देंगे, बच्चे क्या है एक अलग क्लासरूम बना देंगे, स्मार्ट क्लासरूम, उसमें बच्चे आकर के तकनीकी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन सामान तो रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखा गया, लेकिन वहाँ शिक्षक का अभाव है, कक्षा की अभाव है, तो क्या है वह तकनीकी शिक्षा बच्चों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है, नहीं मिल पा रही है। तो यह विद्यालय प्रबंधन में काफी समस्याएं खड़ा कर देती है। अब है 7 नंबर में शिक्षा के उद्देश्यों का प्रभाव। शिक्षा के उद्देश्यों का प्रभाव यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो आज के वर्तमान समय में शिक्षा बहुउद्देशीय हो गया है, जो मुख्य रूप से निम्न प्रकार से, व्यक्ति के मानसिक, कुमा शारीरिक, कुमा व्यवसायिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास आते हैं। इसी में जीवन यापन का उद्देश्य भी महत्वपूर्ण है। क्या है शिक्षा के उद्देश्य में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी है विकास, वह इस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, उसका बहुत बड़ी कारण है। क्योंकि आज के युग में, वर्तमान समय में राजनीतिक शिक्षा को प्रभावित कर रहा है, बड़े कर्मचारियों का प्रभाव भी छोटे कर्मचारियों पर शिक्षा के उद्देश्य को प्रभावित कर रही है बहुत ज्यादा। उसके बाद आर्थिक स्थिति भी, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, बहुउद्देशीय शिक्षा प्रणाली भी, नए नए जगहों की, नए नए अनेक जगहों की, अनेक देश की शिक्षा जो भी दाते हैं वो अपने पाठ्यक्रम इसमें लागू कर देते हैं। वैदिक काल उत्तर वैदिक काल को देखिए, सभी शिक्षा क्या है इसके शैक्षिक उद्देश्यों के प्रभाव का यह जटिल समस्याएं उत्पन्न कर देती है। अब है 8 नंबर पॉइंट में, इसको पॉइंट के माध्यम से लोग पढ़ रहे हैं, इस पॉइंट को आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो नवीन शिक्षा प्रणालियों का विकास, यानी नवीन का मतलब होता है नया, नवीन शिक्षा प्रणालियों का विकास, इसको किस तरह से विकास हुआ है। आज के वर्तमान समय में
कई शिक्षा शास्त्रियों शिक्षाविदों ने नई शिक्षा प्रणालियों का जन्म दिया है, जैसे प्रोजेक्ट विधि, प्रयोगशाला विधि आदि का विद्यालय में समावेश, विद्यालय के संगठनात्मक व्यवस्था जटिल हो रही है। उन्हें जो भी शिक्षाविद है अनेक तरह तरह के शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं, तो क्या है नवीन शिक्षण प्रणालियों में जब नया चीजों को सम्मिलित होगा तो कुछ ना कुछ उसमें समस्याएं उत्पन्न होगी। भारत में भी बुनियादी शिक्षा प्रणाली, कुमा मॉन्टेसरी प्रणाली, किंडर गार्डन प्रणाली, गुरुकुल प्रणाली एवं अन्य प्रणालियां सम्मिलित है। इसके अलावा विदेशी शिक्षा शास्त्री ने यहाँ आकर अपनी शिक्षा प्रणाली को लागू कर दिया है। अतः साम्यवादी शिक्षा पद्धति के पोषण को ध्यान में रखकर चलाई जाती है। उसी प्रकार जिस देश की जैसी राजनीतिक व्यवस्था होती है वैसे ही शिक्षा प्रणाली का विकास होता है। इसी कारण नवीन शिक्षा प्रणाली की समस्याएं जटिल होती जा रही है। तो क्या है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, जैसे जहां जहां के शिक्षा जिस देश के शिक्षाविद आए वो अपनी शिक्षा प्रणालियां इसमें लागू करने लगे देश में, तो क्या है वह जिस देश का शिक्षा शास्त्री जिस दूसरे देश में जाते हैं तो वो अपनी शिक्षा प्रणालियों को लागू करने लगते हैं। तो क्या है ये सबसे बड़ी जटिल समस्याएं बच्चों के साथ या विद्यालय प्रबंधन के साथ खड़ी हो जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नवीन शिक्षा प्रणालियां जटिल समस्याएं उत्पन्न करती है। अब है 9 नंबर में कर्मचारियों का आपसी संबंध कायम रखना है, यानी किसी भी विद्यालय में, किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी उद्योग धंधे में क्या है सभी में कर्मचारियों का सहयोग अत्यंत आवश्यक होता है। अगर किसी कर्मचारी से किसी वर्ष तनबन हो जाती है तो निश्चित है कि वो सबसे बड़ी समस्या जटिल हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कर्मचारियों का आपसी संबंध कायम रखना जरूरी है। अब यह 10 नंबर पॉइंट में सामाजिक कार्य में विद्यालय की भागीदारी, सामाजिक कार्य में विद्यालय की भागीदारी। कर्मचारियों का आपसी संबंध कायम रखना हो गया, अब है सामाजिक कार्य में विद्यालय की भागीदारी। विद्यालय समाज के द्वारा बनाई गई संस्था है। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य सभ्य नागरिक का निर्माण करना होता है। तो पहचान पत्र लग रही है। मुख्य उद्देश्य विद्यालय का मुख्य उद्देश्य सभ्य नागरिक का निर्माण करना होता है। इतना ही नहीं विद्यालय समाज का शैक्षिक सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। विद्यालय समाज का नेतृत्व करता है। सामाजिक सेवा विद्यालय का मूल कार्य है। तो क्या है सामाजिक कार्य में विद्यालय की भागीदारी बहुत ही बीमारी है, क्योंकि क्या है विद्यालय एक समाज के द्वारा बनाई गई संस्था है। इसी से सामाजिक कार्य का निर्माण होता है, यानी जो भी बच्चे या विद्यालय का उद्देश्य है लक्ष्य है कि जो भी बच्चे का विद्यालय में एडमिशन हो चुका है उसको सामाजिक कार्य को एक सही दिशा निर्देश में देना है और उस बच्चे को आगे बढ़ने का भागीदारी मिलती है, समाज सेवा करने का भागीदारी मिलती है, जो समाज का एक नवीन शिक्षा प्रणाली का जन्म देती है। और कोई भी अगर अप्रति वाला चीज मिल जाती है तो निश्चित है कि सामाजिक कार्य में जटिल समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इस कारण से विद्यालय की यह जिम्मेवारी बनती है। अब है 11 नंबर में मनोवैज्ञानिक शिक्षा का प्रभाव।
मनोवैज्ञानिक शिक्षा का प्रभाव वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक शिक्षा का प्रभाव में काफी वृद्धि हो रही है। इसका प्रभाव निम्न रूप में सामने देखने को मिल रही है, जैसे नई बुद्धि परीक्षा कोमा मूल्यांकन, जांच परीक्षा कोमा ग्रेड, अंक परीक्षा का प्रयोग होता है। यानी क्या मनोवैज्ञानिक शिक्षा साइकोलॉजिकल साइंस, तो मनोवैज्ञानिक शिक्षा यह है कि जो भी बालक है उसको एक मनोवैज्ञानिक शिक्षा पद्धति के द्वारा पढ़ाया जाए, जो आजकल इसके सामने क्या है, यह विद्यालय प्रबंधन का दायित्व बन रहा है। जो यह एक अगर इसमें मनोवैज्ञानिक शिक्षा के आधार पर नहीं दिया जाता है तो यह सबसे बड़ी जटिल समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो हम विद्यालय प्रबंधन की समस्याएं जो इस प्रकार से दिया गया है, जो 11 पॉइंट के माध्यम से हम लोग अध्ययन किए हैं, इसे बच्चे आप लोग नोट भी कर सकते हैं नोटबुक में इस पॉइंट को, और इस पॉइंट से इन लोगों समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से इसको अगले क्लास में समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो हमारे विद्यालय प्रबंधन की समस्याएं कारण यानी है जो इस प्रकार से दिया गया है, नोटबुक में नोट कर लीजिए। और यह टॉपिक समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।